अब मैं कहता हूँ कि जिस आदमी के लिए हम यूज किया है कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको एक बार नहीं हम सैकड़ों बार हरामी कहेंगे। अब हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर वो जीभ काटने की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप में तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अब जीभ काटने के लिए कोई किसी को भेजावे तो हम देख लेंगे उसको। नमस्कार, आप बिहार इंस्टॉल्स देख रहे हैं। मैं हूँ परमवीर सिंह। बिहार के पूर्व सीएम जीताराम मांझी लगातार अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने ब्राह्मण और भगवान पर एक टिप्पणी की। टिप्पणी के बाद काफ़ी बवाल हुआ, लेकिन जीताराम मांझी अपने शब्दों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज गया में जीताराम मांझी ने कहा है कि मैंने जो कहा है उसे मैं 100 बार दोहरा सकता हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मेरे बातों को लोग समझ नहीं रहे हैं, इसे तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। क्या कुछ जीताराम मांझी कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। क्यों ऐसा हुआ तो हमने कहा, आपका अभी आप लोगों के सामने स्पष्ट किया, और यह स्पष्टता के बाद कि ब्राह्मण गाली दे रहे हैं हमको, तो ब्राह्मण को हमने तो कुछ नहीं कहा, उसको पूज्य मानते हैं। हमने पुजारी को भी बहुत ये नहीं कहा, पुजारी को इसलिए कहा, उसी पुजारी को कहा जो मांस खाता है और दारू पीता है और हमारे समाज को विफुल करता है, किताब ले जाता है और हनुमान चालीसा पढ़ाता है श्राद्ध में और विवाह में, वैसे लोगों के लिए हमने कहा है। अब ये बार बार हम कहेंगे, इसका प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश, अब क्या होगा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो शेड्यूल कास्ट का मामला है, पार्टी का मामला नहीं है। निश्चित में जाएंगे नहीं, खुद हम सोच रहे हैं इस महीना के बाद ऐसे होगा, जाएंगे हम। कुछ हमारे लोग हमको इन्वाइट किया है, देखेंगे कि क्या संभावना हो सकती है। अगर गठबंधन में होने की बात होगी तो गठबंधन में, नहीं तो अकेले लड़ने की बात होगी अकेले, तो हम जनवरी के प्रथम सप्ताह में डिसाइड करेंगे। एनडीए से अलग होने की बात हम पहले ही तो कहा, गठबंधन में हम लोग बात करेंगे, गठबंधन में बात करेंगे। हाँ, यहाँ भी गठबंधन है, वहाँ भी है, और हम समझते हैं गठबंधन में हम अपना दावा पेश करेंगे तो निश्चित रूप में हमको शेयर मिलेगा। अब उस पर बाद में चर्चा करेंगे, हम अपने लोगों से विचार करेंगे। हम समझते कोई भी क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन गॉट द एक्शन। बसपा को भी नुकसान हो सकता है, अब किनको का होगा ये आप लोगों पर छोड़ते हैं। नहीं, ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानते हैं, और पुजारी का जहाँ तक सवाल है तो पुजारी सिर्फ पुजारी ही नहीं, वो दूसरे जात के भी लोग होते हैं। हनुमान मंदिर जो पटना में है वहाँ पुजारी एक दास जी हैं। हमारे नज़दीक में हुलासगंज था जो है संस्कृत कॉलेज है, वहाँ शेड्यूल कास्ट के बच्चे सहित बहुत से लोग पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं तो वही श्राद्ध पूजा गाँव घर में अगल बगल कराते हैं। हमारे गाँव का एक लड़का है, थोड़ा सा भी आँख से अपंग है, वो पूजा कराता है मुसर टोली में जा कर के। हमारा रामपुर एक बस्ती है, वहाँ को भावे जी विनोबा जी कहते हैं, वो लोग जा कर के पूजा कराते हैं। तो कहने का मतलब, पुजारी की बात हमने कही, अब ऐसा पुजारी की बात कही जो मांस खाता है, शराब पीता है, अन्न कुकर्म में फंसा रहता है और कुछ जानता नहीं है, और हमारे यहाँ पूजा कराता है और वो हमारे यहाँ खाता भी नहीं है, उसको हम लोग नगद देते हैं, तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा। तो हम उनके लिए कहा, अब ये ले उड़े कि हम ब्राह्मण के लिए कहा है, हम ब्राह्मण के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं, ब्राह्मण से मेरा कोई मतलब नहीं था, और यही भावना को ज़्यादा तूल न दें इसके लिए हमने माफ़ी भी मांगने का काम किया, 2 बार माफ़ी मांगने की बात किया। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी जो ब्राह्मण समाज हैं उबल रहे हैं, तो अब मैं कहता हूँ कि जिस आदमी के लिए हम यूज़ किया है कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको एक बार नहीं हम सैकड़ों बार हरामी कहेंगे। अब हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, और उन लोग कोई जीभ काटने की बात करते हैं और कोई है तो बाकी बात मैं समाज पर छोड़ता हूँ कि हमारा समाज इसमें क्या निर्णय लेता है, क्या करेगा। लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर वो जीभ काटने की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप में तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अब जीभ काटने के लिए कोई किसी को भेजावे तो हम देख लेंगे उसको। तो इस तरह की बात और ये बात सही भी है, हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के विरोधी जरूर हैं। जो आज सनातन धर्म की बात करते हैं, हम सनातन धर्म को भी मानते हैं। अब इसलिए सनातन धर्म को मानते हैं कि अम्बेडकर साहब जब बुद्ध धर्म अपनाया, तो जानते हैं सब, बहुत लोग आप लोग जानते होंगे कि बुद्ध धर्म इसलिए अपनाया
कि भगवान विष्णु के ब्रह्मा अवतार के रूप में माना जाता है बुद्ध भगवान, तो सनातन धर्म को वो भी माने, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म के बाद ये मनुवादियों ने जात पात ऊंच नीच छुआछूत की बात किया और यही से ब्राह्मणवाद शुरू होता है। इस ब्राह्मणवाद का हम अंत अंत तक विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो उसकी चिंता हम नहीं करेंगे। हम अपने समाज को बताएंगे कि ऐसे ढकोसला वाले लोगों से आप संपर्क मत रखिए। और ये 21वीं शताब्दी है, हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, और अभी भी हम वही पुरानी पंखी रहेंगे कि हम पिताजी हमारे बीमार हैं, हमको पैसा नहीं है उनको दवा दारू के लिए, और यदि वो मर जाते हैं तो उनको स्वर्ग पहुंचाने के लिए दूध पिलाने के लिए गाँव का दान करते हैं हम लोग। तो ये परंपरा मत अपनाइए, सदा हम कहते रहे हैं लोगों को। यही बात कह करके हम समाज में एक चेतना फैलाना चाहा है, अपने समाज में विशेष करके, कि तुम गरीब हो, पढ़ने लिखने पर ध्यान दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, और इन पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो और ऐसे लोगों से पूजा मत करो। आपने देखा कि जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है उसे मैं 100 बार दोहरा सकता हूँ, मैं ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, और जो पंडित मांस मदिरा का सेवन करते हैं मैं उनके लिए यह बातें कही थी, लेकिन लोग इसका अलग ही अर्थ निकाल रहे हैं। लेकिन मेरा यह कहना था कि जो ब्राह्मण मांस मदिरे का सेवन करते हैं और फिर दलितों के यहाँ जाते हैं और पैसे मांगते हैं, उन्हें उनको मैंने यह सब कहा था। इसके साथ ही जीतनराम मांझी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव लड़ने जा रही है। तो जीतनराम मांझी कहीं ना कहीं अपने बयानों से बिहार सरकार को टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि अभी जीतनराम मांझी बिहार NDA में शामिल हैं, सरकार में शामिल हैं, इनके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो राम की राजनीति करती है और हिंदू धर्म पर मुखरता से बोलती है, तो वहीं उनके साथी जीतनराम मांझी भगवान के खिलाफ और ब्राह्मण के खिलाफ बोलकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चिंता बढ़ा रहे हैं। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं जीतनराम मांझी के इस बयान को लेकर, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।